नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित होगा, आज के इस कार्यक्रम में हम भारतीय साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय साहित्य कहते ही हमें किस अर्थ का बोध होता है? वास्तव में भारतीय साहित्य किसी एक भाषा विशेष का साहित्य नहीं है। भारतीय साहित्य कई भाषाओं का साहित्य है और सभी भाषाओं की एक लंबी परंपरा रही है और समृद्ध साहित्य भी रहा है। कश्मीर से लेकर तमिल तक और गुजराती से लेकर असमी तक बहुत सारे भारतीय भाषाएं हैं जिसमें साहित्य की रचनाएं होती रही हैं और हर युग में समृद्ध साहित्य रचा जाता रहा है। आज हम विशेष रूप से पंजाबी साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। इग्नू ने भारतीय साहित्य पर दो तरह के पाठ्यक्रम तैयार किए हैं जिनमें आधुनिक भारतीय साहित्य और मध्य भारतीय साहित्य को हमने अध्ययन कराया है। तो आज पंजाबी साहित्य पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि पंजाबी साहित्य किस प्रकार का है, किस प्रकार की इसकी लिपि है और आदि से लेकर आधुनिक काल तक इस साहित्य में किस प्रकार की रचनाएं होती रही हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ पंजाबी साहित्य की विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यपाल कौर जी मौजूद हैं। आपका इस स्टूडियो में स्वागत है और हम डॉक्टर सत्यपाल कौर जी से, जो कि पंजाबी भाषा की लेखिका हैं, मर्मज्ञ हैं और विशेष रूप से पंजाबी साहित्य की गहराई को समझती हैं और आदि से लेकर आधुनिक काल तक पंजाबी साहित्य में जो प्रगति हुई है उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे और बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद हम नहीं जानते हैं और इस प्रकार हम इस साहित्य के विशेषताओं को भी पहचानेंगे। तो डॉक्टर सत्यपाल कौर जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाबी भाषा दरअसल किस प्रकार की है और इसका क्षेत्र क्या है और ये हमारे देश के किस भाग में बोली जाती है, क्या देश से बाहर भी इस भाषा का स्थान है? तो आप सबसे पहले हमें इसी बात की जानकारी दें। नमस्कार। पंजाबी भाषा के बारे में जो आपने सवाल किया वो बहुत ही अच्छा। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि पंजाबी या पंजाब शब्द आया कहाँ से। पंज और आब दो शब्दों से मिल करके ये शब्द बना है। पंज यानी पांच पंजाबी का शब्द है और आप ये फारसी भाषा से आया शब्द है। इन दोनों को मिला करके पंजाब बना। आप जो पांच थे वो रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब और जेहलम थे और इनको मिला करके पंजाब बना। पंजाब क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसको हम पंजाबी कहते हैं। ये जो भाषा है दो तरह से हम देखते हैं, एक बोलचाल की भाषा और एक साहित्यिक भाषा, टकसाली बोली। पंजाब के अंदर उपभाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे आपने सवाल किया, माझी, दोआबी, मलवई, मुल्तानी, डोगरी, पोठोहारी और पुआधी, इन नामों से ये उपभाषाएं जानी जाती हैं। इनके बोलने का इलाके जो हैं अलग अलग, जैसे हम माझी को देखें तो ये लाहौर, अमृतसर और गुरदासपुर के इलाके में बोले जाने वाली भाषा है। दुआबी जो है वो जालंधर, होशियारपुर के एरिया में बोले जाने वाली, मलवई, सतलुज के इलाके, लुधियाना और पटियाला के आसपास बोली जाने वाली बोली है और मुल्तानी पाकिस्तान मुल्तान में बोले जाने वाली, और डोगरी जो है जम्मू और कुल्लू पहाड़ी इलाके में बोली जाने वाली बोली है, और पोठोहारी जो रावलपिंडी के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बोली जाती है, और पुआधी जो है वो पटियाला, अंबाला और छोटे मोटे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बोली जाने वाली। जैसे आपने ये पूछा कि ये भाषा और कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये भाषा पाकिस्तान का जो बंटवारे से बात का जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब का एरिया आ गया है उसके अंदर भी ये पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले वो क्षेत्र हमने जाना
कि पांच नदियों का वह क्षेत्र जहां पांच नदियां बहती हैं उसका नाम पंजाब पड़ा, और उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा पंजाबी भाषा है। और हमने ये भी देखा कि पंजाबी, जैसा कि हर भाषा के लिए अपना एक साहित्य होता है, तो पंजाबी भी, पंजाबी साहित्य में भी दो तरह की स्थिति है, एक साहित्यिक भाषा और दूसरी बोली जाने वाली भाषा, बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा। तो हमने देखा, और ये शायद हमें पहली दफा ये जानकारी मिली कि जम्मू क्षेत्र में जो डोगरी भाषा बोली जाती है वह भी पंजाबी भाषा है, लेकिन वह बोली के रूप में है। जैसा कि अधिकतर बहुत बड़ा क्षेत्र अगर किसी भाषा का हो तो उसमें कई बोलियाँ शामिल होती हैं, और ऐसा हम पंजाबी में भी देखते हैं। और हमने ये भी जाना कि पंजाबी केवल भारत में ही नहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़े भूभाग में इस भाषा के बोलने वाले लोग हैं। तो मैं आपसे एक और एक जानकारी चाहूँगा कि जैसा कि हर भाषाओं में, हर भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है, तो क्या पंजाबी की भी अपनी लिपि है, और ये किस प्रकार की है और इसका नाम क्या है? हाँ बिल्कुल, ये पंजाबी की लिपि गुरमुखी कहलाती है। गुरमुखी यानी के गुरु के मुख से उचारी हुई। इसको गुरु अंगद देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए इस लिपि को अंतिम रूप दिया था। और ये जो पाकिस्तान में पंजाबी लिखी जाती है वो फारसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, हम उसे शामुखी बोलते हैं, उर्दू की तरह वो लिखी जाती है। और गुरमुखी लिपि में पहले जो अक्षर थे वो 35 अक्षर थे, और इसको हम 35 अक्षरी भी बोलते हैं पंजाबी में। 35 अक्षरी तब तक लिखी जाती थी जब गुरु अंगद देव जी ने इसको अंतिम रूप दिया, तो जो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसके अंदर इन 35 अक्षरों को शामिल किया गया। लेकिन उसके बाद जो श अक्षर वो संस्कृत के प्रभाव से आया, और बाकी ख, ग, ज और फ ये जो अक्षर हैं ये फारसी के प्रभाव से पंजाबी भाषा में सम्मिलित हुए हैं। आजकल जो पंजाबी भाषा में एक और सम्मिलित हमने किया है वो ल, ळ करके बोला जाता है उसको, जो खास टिपिकल पंजाब के खास क्षेत्र से लिया है। ये इस तरह से इसके जो अक्षर अब माने जाते हैं वो 41 माने जाते हैं। जी, मैं इसमें एक और भी बात जानना चाहूँगा कि पंजाबी अगर कोई सीखना चाहे तो किस प्रकार हम इस भाषा की लिपि को सीखेंगे, क्योंकि लिपि सीखे बिना भाषा की जानकारी अधूरी होती है। तो इस भाषा की सीखने के लिए क्या ऐसी सुविधाजनक कोई तरीका है, तो वो भी हमें। ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप पंजाबी भाषा लिखना, तो लिख तो सकते ही हैं आसानी से, लेकिन अगर बोलना, क्योंकि कहा जाता है कि पंजाबी बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके अंदर हर वर्ग का जो चौथा अक्षर है यानी क, ख, ग, घ, ङ, घ अक्षर हर वर्ग का चौथा अक्षर है। पूरी 35 अक्षरी के चार अक्षर जो हैं, अगर उसको आप अच्छे से बोलना सीख लें तो आप बहुत ही आराम से इस भाषा को बोल सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगी हर एक अक्षर का। आप बोलते हैं घ से घोड़ा, तो हम बोलते हैं कोड़ा, तो हम यहाँ से बोलेंगे कोड़ा। झंडा, आप झंडा बोलते हैं, मैं बोलूँगी चंडा। आप ढोल बोलते हैं, मैं पंजाबी में उसको बोलूँगी टोल। धरती बोलते हैं आप, ध इस्तेमाल करते हैं, बोलते हुए ध बोलते हैं, तो मैं उसको बोलूँगी धरती। इसी तरह से भालू, तो मैं उसको बोलूँगी पालू। तो इस तरह से इन अगर पांच अक्षरों को बहुत अच्छे से आप अभ्यास कर लें तो आप पंजाबी भाषा बहुत ही आराम से और सुविधाजनक बोल सकते हैं। आपने देखा कि किसी भाषा की अपनी एक केमिस्ट्री होती है, अपनी एक रसायन होती है, अर्थात कोई भी भाषा क्यों दूसरी भाषा से भिन्न है, और उस भिन्न भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। कई बार हम यह भी देखते हैं कि जो भाषा हम नहीं जानते हैं और उस भाषा के उच्चारण करते समय जब हमें
कई ऐसी अनोखी बात सामने नज़र आती है या उसमें सुनने में कुछ अंतर महसूस होता है, तो हमें कुछ थोड़ा अजीब सा लगता है कई बार उस पर। हम या तो हम कुछ टिप्पणियाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हर भाषा की जो खासियत है, विशेषताएँ हैं, वो ये है कि उसकी अपनी एक ध्वनि होती है। और अभी जैसा कि डॉक्टर सतपाल कौर जी ने हमें बिल्कुल अंतर करके बताया कि किस प्रकार इस भाषा के बोलने में जब धरती को तरती कही जाती है तो बिल्कुल अंतर है, उच्चारण में ये बिल्कुल अंतर आता है। और यही हमें भाषा की सही उच्चारण और सही तरीका बताता है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस भाषा की लिपि और इस भाषा की लिपि का किस प्रकार विकास हुआ, उसे हाँ। भी हम अपने दर्शकों को आप बताएं। हाँ, बिल्कुल, मैं ये आप दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। ये 35 लिखा है, 35 अक्षरी है ये जो आजकल लिखी जाती है। ये मेरे पास कुछ एक मैन्युस्क्रिप्ट पुरानी है, तकरीबन ये 1580 के आसपास की ये वाली स्क्रिप्ट, जो कि गुरु अर्जन देव जी की लिखी हुई है। नीचे वाली गुरु हर गोविंद जी की मैन्युस्क्रिप्ट, जो के मूल मंत्र लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी रचित जपजी साहिब का, और ये गुरु हर राय जी की। ये तकरीबन 15वीं शताब्दी के आसपास की मैन्युस्क्रिप्ट है। इसके बाद ये इसमें थोड़ा सा विकास और हुआ, 1650 के आसपास गुरु तेग बहादुर जी की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद ये गुरु गोविंद सिंह जी की तकरीबन 16वीं शताब्दी की मैन्युस्क्रिप्ट। इसको आप देख सकते हैं कि पहले समय में हाथ से किस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। और इसके बाद आज इसका रूप ये हमारे सामने है। जिस भाषा को आजकल हम लिखते और पढ़ते हैं जी, तो ये एक और बात हमारे सामने आई कि जिस प्रकार हर भाषाओं की अपनी जो लिपि होती है और उस लिपि का एक विकास क्रम होता है। और हमने अभी देखा जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिपि हमारे सामने दिखाई गई, उसमें कई स्तर आए। यानी आरंभ में गुरुमुखी लिपि का स्वरूप कुछ अलग था और उसमें परिवर्तन आता रहा है, और आरंभ से लेकर अभी तक जो विकास हुआ है और जो वर्तमान समय में पंजाबी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे भी हमने देखा। तो इस प्रकार भाषा और लिपि की बात हमने की। अब हम मूल रूप से साहित्य की बात करेंगे और आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात करते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को हमने अपने EHD 5 के पाठ्यक्रम में पढ़ाया है और पंजाबी भी उसमें शामिल है, तो आधुनिक भारतीय साहित्य कहने से हम में जो बोध होता है वो यही होता है कि वर्तमान समय का साहित्य। लेकिन हर समय में जो साहित्य उस समय का होता है वह आधुनिक साहित्य कहलाता है। और हम आधुनिकता की धारणा से कई चीज़ों से उसे नापते हैं, अर्थात आधुनिक विचार या पुराने से अंतर। और इसी प्रकार आधुनिक पंजाबी साहित्य में भी वह अंतर हमें देखने को मिलता है। तो मैं डॉक्टर सतपाल कौर जी से यह जानना चाहूँगा कि आधुनिक पंजाबी साहित्य की शुरुआत किस प्रकार होती है और हम वह उसे किस रूप में देखते हैं। जब हम आधुनिक पंजाबी साहित्य की बात करते हैं तो इससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि मध्यकाल में ये साहित्य किस तरह से शुरुआत हुई उसकी और किस तरह से आगे उसका चलन हुआ। मध्यकाल से भी पहले की अगर हम बात करें पुरातन साहित्य में, तो हम देखते हैं कि नाथ जोगियों की रचना जो हमारे पास आई, किताब रूप में तो नहीं आई, लेकिन जो भी नाथ जोगियों ने लिखा पंजाबी में, क्योंकि पंजाब में ही नाथ जोगी बसते थे। जैसे हम जालंधर अगर नाम लेते हैं तो जालंधर नाथ कहा जाता है कि वहीं के ही थे।
तो इस तरह से पंजाब के एरिया में रहने वाले नाथ जोगियों ने पंजाबी भाषा के अंदर जितनी भी रचना की वो हमारे पास आती है, और उसके बाद जो मध्यकाल, उसको हम पुरातन साहित्य में लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मध्य काल के अंदर लिखा गया साहित्य है वो बाबा फरीद से शुरू होता है। बाबा फरीद एक सूफी कवि थे और इन्होंने श्लोक और शब्दों की रचना की, और इसके साथ ही सूफी कवि शाह हुसैन और बुल्ले शाह, ये इसके आगे और भी बहुत सारे कवि हैं जैसे किस्साकार हैं, उन्होंने भी साहित्य की रचना की, लेकिन बाबा फरीद अपने आप में एक बहुत ही पूर्ण कवि थे। उन्होंने बहुत सारे श्लोक लिखे और मध्यकालीन साहित्य की शुरुआत की। यानी जैसा कि सभी भारतीय भाषाओं में ये होता है कि किसी साहित्य का, किसी भाषा साहित्य का आदिकाल होता है मध्यकाल और आधुनिकाल, पंजाबी साहित्य में भी ऐसा हुआ। यानी अभी जो आपने बात कही बाबा फरीद के ज़माने की और मध्यकाल की बात की और उस समय की साहित्यिक रचनाएं की गई, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि सूफी मत, तो उनके साहित्य में ये सूफी मत आखिर है क्या, और इस साहित्य में कौन सी ऐसी विशेषता थी जिसने साहित्य को विशेषकर अलग तरह का साहित्य के रूप में हम देखते हैं, जानते हैं? बिल्कुल, बाबा फरीद के बारे में ये बताना चाहूँगी कि बाबा फरीद जो हैं वो इस्लामी शर्रा के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। उन्होंने उसके अंदर रहकर के ही अपनी रचना कही, जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी था उनके लिए, वुजू करना या इसी से रिलेटेड अपने धर्म का पालन करना बहुत ही ज़रूरी था। उनके श्लोक के अंदर, तकरीबन सारे ही श्लोक के अंदर वो इस शर्रा को मानते हुए दिखाई देते हैं। मैं कुछ एक इसके उदाहरण देना चाहूँगी जो कि पंजाबी भाषा में ही मैं बोलूँगी। वो कहते हैं फरीदा फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जेड़ ना कोए, जीव दया पैरां तले मोया उपर होए। इसका हिंदी अनुवाद है। हाँ, छोटी सी नाचीज को भी आप छोटी नहीं समझे, क्योंकि वो भी मिट्टी जिसको हम नाचीज समझते हैं वो भी कभी हमारे ऊपर आने वाली है, हम उसी में ही मिलने वाले हैं। तो इसी तरह से और कहते हैं, फरीदा जेतू अकल लतीफ, काले लिख न लेख, आप नड़े गरीबान में सिर नीवा कर देख। वो इस बात पे भी जोर देते हैं कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को भी देखिए। इसी तरह से वो कहते हैं, परमात्मा से मिलना, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं और उनकी परवाह ना करते हुए वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। वो 2 श्लोक कहते हैं, फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे ने हो, गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे ने हो, चला तो पिज्जे कंबली, रहा तो टुटे ने हो। दूसरे में अपने आप वो जवाब भी देते हैं, पिज्जो सिज्जो कमली, पिज्जो सिज्जो कमली, अल्लाह वरसे में हो, जाए मिला तिना सज्जरा, जाए मिला तिना सज्जना, टुटे नाही ने हो। वो इस तरह से अपने परमात्मा की ओर प्यार का इजहार इन शब्दों में भी करते हैं। फिर वो कहते हैं एक जगह पे, फरीदा बार पराए बैसना, हे परमात्मा मेरे को दूसरे के दरवाजे के ऊपर ना बैठना पड़े, किसी और धर्म को ना अपनाना पड़े। फरीदा बार पराए बैसना, साईं मुझे ना दे, जेतू एवें रख सी, जेतू एवें रख सी, जियो शरीरों ले, मेरा ये शरीर मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो वो अपना परमात्मा की ओर, आध्यात्मिकता की ओर बात करते हैं। यानी मध्यकालीन भारतीय साहित्य में जो सबसे बड़ी विशेषता यह देखने को मिलती है, और वो सभी भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, उस काल के, उस दौर के जितने भी कविगण हुए उन्होंने एक तो मानवता की बात कही, दूसरे केंद्र में अल्लाह, भगवान, ईश्वर ये रहे, और उन तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने किसी भी समझौते को नहीं करना चाहिए। ये मध्यकालीन भारतीय साहित्य की विशेषता हमें प्रत्येक भारतीय भाषाओं में देखने को मिलती है। रक्षा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि
आधुनिक भारत पंजाबी साहित्य की शुरुआत किस रूप में होती है और हम उसे कहाँ से मानते हैं? ये आधुनिक पंजाबी, एक बाबा फरीद के बारे में और बताना चाहूँगी कि बाबा फरीद की जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। बाबा फरीद से हम मध्यकाल के साहित्य की शुरुआत मानते हैं। इसके साथ साथ बाद में भी और इससे इसके साथ साथ और भी बहुत सारी रचनाएं रची गईं। बाद का साहित्य जो है वो मध्यकाल में ही आता है, गुरमत साहित्य, जो सिखों के गुरुओं ने उसको रचा और उसको हमने एक आद ग्रंथ में उसको देखते हैं, जिसका नाम उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब रखा। तो गुरु ग्रंथ साहिब की आपने चर्चा की, तो मैं ये जानना चाहूँगा जो सिख आंदोलन या हम इसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी देखते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में जिन लोगों को स्थान दिया गया है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि जहाँ तक हमें सूचना है या जो हम थोड़ी सी जानकारी हम सभी जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में जितनी वाणियाँ संकलित की गई हैं उसमें एक विशेष संदेश है और वो संदेश समाज के हर वर्ग की ओर से दिया गया है। मैं उस पर ज़्यादा जानना चाहूँगा। जो गुरु ग्रंथ साहब हैं वो उसके अंदर गुरु साहिबान की वाणी के अलावा 15 भक्तों की वाणियाँ भी शामिल हैं, जिसमें नामदेव हैं, कबीर हैं, रविदास हैं, बाबा फरीद हैं। तो इस तरह से सब धर्मों के लोगों की वाणियों को उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये मत से रिलेटेड जितनी भी उनकी बातें थीं इसमें कही गईं। और गुरु ग्रंथ साहिब जो था, गुरु अर्जन देव जी ने इसका संकलन किया। गुरु नानक देव जी इसके सबसे हम पहले कवि मानते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी जो है 19 रागों में लिखी है। इनको रागों का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था और इन्होंने रीति रिवाज के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और ब्राह्मणवाद में जो कट्टरतावाद था उसके खिलाफ में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। जैसे हम देखते हैं कि उस समय औरत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए उन्होंने कहा, पांड औरत को कहा जाता है, वो कहते हैं, पांड जमिए पांड निमिए, पांड मंगण व्याहो, पांड होवे दोस्ती, पंडो चले राहो, पांड मुआ, जब औरत मर जाती है, पांड मुआ पांड पालिए, पांड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए, जित जमे राजान। जिस औरत ने राजाओं को जन्म दिया उस औरत को क्यों बुरा कहा जाए। तो इस तरह से औरत को सही स्थान दिलवाने वाले सबसे पहले हमारे जो लेखक हम कहेंगे ये गुरु नानक, संत कवि जो हैं वो गुरु नानक देव जी ही थे। इसके अलावा उन्होंने मौन धारने के बारे में भी लिखा कि सोचे सोच ना हो गई ये सोची लखवार, चुप्पे चुप ना हो गई जे लाई लहा लिपतार। तो इस तरह से उसका भी खंडन उन्होंने किया। परमात्मा के बारे में वो कहते हैं, आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। परमात्मा जो है पहले भी सच था, जुगाद से भी सच था, आगे भी सच ही रहेगा, उसका नाम भी सच रहेगा। इनकी रचनाओं के बारे में बताना चाहूँगी कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की, जपजी साहेब, आशा दीवार, शब्द श्लोक, बारामा, ज़्यादातर जितना भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने आशा की वार में उठाई। उसके अंदर और भी बहुत सारे जो उस समय औरत की दशा या और भी बहुत सारे रीति रिवाजों का खंडन इस रचना में उन्होंने किया है। और इनकी जो लाइनें हैं वो लोगों की कहावतें बन गई, मैं वो भी बताना चाहूँगी। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्, या नानक दुखिया सब संसार, या मन जीते जग जीत। तो इस तरह से इनकी बहुत सारी रचनाएं लोगों की जबान पर भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भक्ति साहित्य को हम साधारणतः यही जानते हैं कि भक्त कवियों ने केवल भगवान को केंद्र में रखकर रचनाएं की और केवल भगवान का गुणगान करना, उनके स्मरण में बातें कहना ही
मुख्य था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुल मिला के ये जो भक्ति आंदोलन था वो उसके पीछे एक पूरा का पूरा सामाजिक आंदोलन था, और समाज को एक समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए एक आंदोलन के रूप में वो था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो भी रचनाएं की गई उसमें ये सारी बातें देखते हैं जो आज भी हम आधुनिक युग में जिन आंदोलन की चर्चा करते हैं, चाहे वो समाज की एकता की बात हो, चाहे ऊंच नीच की बात हो, या स्त्री को अपना उचित स्थान दिलाने की बात हो, इसकी शुरुआत हम गुरु ग्रंथ साहब में भी देखते हैं, नानक जी के द्वारा किया वही जान पाते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसके आगे जो पंजाबी साहित्य की शुरुआत होती है या एक अलग तरह के साहित्य की शुरुआत होती है, वो किस रूप में हम आगे पंजाबी साहित्य को बढ़ते देखते हैं। इसके साथ ही मैं जोड़ करके एक और बात बताना चाहूँगी कि गुरु अमरदास जी जो हुए हैं उन्होंने 17 रागों में वाणी को उन्होंने पेश किया है। इनका आनंद साहब बहुत ही मशहूर और हर एक कार्यक्रम के बाद में वो गाया जाने वाला है। ये एक समाज सुधारक के तौर पे भी इन्होंने जो सिख मत था समाज सुधारक के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया। सती प्रथा इन्होंने बंद करवाई और दोबारा या पुनः विवाह करना, विधवा विवाह जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने शुरू किया। पर्दे की रस्म को तोड़ा और नशों के खिलाफ आवाज़ उठाई। छुआछात उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई है। यानी गुरु अमरदास ने जो कई समाज सुधार के कार्य किए वही समाज सुधार के कार्य आगे जाकर हम आधुनिक काल में राजा राममोहन राय से लेकर उसके बाद के दौर में भी देखते हैं, और उसके बाद के साहित्यकारों में भी इन्हीं सब मुद्दों को बड़ी मुस्तैदी से, लेकिन इसकी परंपरा मिलती है, इसकी एक लंबी परंपरा रही और उसे हम गुरु अमरदास में भी पाते हैं। तो जैसा कि मैं फिर जानना चाहूँगा कि पंजाबी साहित्य का दौर आगे किस रूप में बढ़ा। आधुनिक, हाँ, हम इससे आगे जो मध्यकाल के बाद आधुनिक काल शुरू होता है, आधुनिक काल जो है भाई वीर सिंह जी से शुरू होता है। भाई वीर सिंह पंजाबी आधुनिक काव्य के सबसे पहले कवि हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि इन्होंने छोटी कविता को जन्म दिया। जैसे हमने ये गुरबाणी के बारे में चर्चा की, गुरबाणी जितनी भी है वो सारी लंबी रचनाएं हैं और इन्होंने सबसे पहले छोटी कविता को जन्म दिया। और इनके जो काव्य संग्रह हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए। लहर हुलारे, मटक हुलारे, लहरा दे हार, बिजलियाँ दे हार, मेरे साइयाँ जियो, इनकी कविता के ऊपर हम ज़्यादातर गुरबाणी का ही असर देखते हैं। और इन्होंने अपनी कविता के अंदर ज़्यादातर कुदरती नज़ारों को पेश किया, दृश्यों को पेश किया, उस परमात्मा के बनाए हुए कुदरत के दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती से अपनी कविता में पेश किया है। क्या इन्होंने ही वो शायद वो बात की जो कश्मीर की सुंदरता है, हाँ, उसके बारे में अपनी रचनाओं में वो ऐसा वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो पूरे दृश्य का पूरा वर्णन कर रहे हों, किस प्रकार के पर्वत हैं, किस प्रकार के वृक्ष हैं और किस प्रकार की उसकी सुंदरता है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया, मैं ये कहूँगी। एक वैरी नाग तेरा पहला छलका, वैरी नाग जो है समुद्र के अंदर एक चश्मा है उसको कहा गया है, उनको संबोधित हो करके, वैरी नाग को संबोधित होकर के वो कविता कहते हैं, वैरी नाग तेरा पहला छलका जद अखियां विच वजदा, वैरी नाग तेरा पहला छलका जद अखियां विच वजदा, कुदरत दे कादर दा जलवा लै लैंदा एक सजदा, रंग फिरोजी झलक बिलोरी डलक मोतियां वाली, रूह विच आ जज्ब होए दिल वेख वेख नहीं रजदा। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पेश किया है। और एक कविता में वो ये बताते हैं कि कश्मीर कैसे बना, मतलब वो अपनी कल्पना से ही उसको एक कविता में हमारे सामने पेश करते हैं। ये एक दो बातें लगातार साहित्य में देखने को मिल रही है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में दो तीन सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बातें यही देखने को हमें मिलती हैं कि एक तो प्रकृति,
दूसरी ओर समाज, तीसरी ओर जो सामाजिक बुराइयां हैं उस पर बहुत सारी बातें। तो आगे के जो हमारे पंजाबी साहित्य के रचनाकार हुए, क्या उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं? और विशेष रूप से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह अन्य भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है साहित्य के उत्थान में, तो क्या पंजाबी साहित्य में भी कोई ऐसी पत्रिका या ऐसा पत्र छपता रहा जिसने साहित्य को आगे बढ़ाया? बिल्कुल, भाई वीर सिंह के बारे में ही बताना चाहूँगी। भाई वीर सिंह ने 1899 ईस्वी में खालसा समाचार एक पत्रिका शुरू की थी। वो बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है दिखाते हुए कि आज भी वो पत्रिका जो है निकल रही है। आज भी इस पत्रिका को भाई वीर सिंह सदन से निकाला जा रहा है और ये आपके सामने है। इसके अंदर का जो मटेरियल है वो उस समय के भाई वीर सिंह जी ने लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ था उसको भी पेश किया जाता है। इसके अलावा उस समय जो खालसा समाचार लिखा जाता था उसके अंदर सिख समाज से रिलेटेड तो मटेरियल होता ही था, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर नारी के बारे में भी बताया जाता था, उनका एक विशेष कॉलम होता था। इस समय जो ये खालसा समाचार छप रहा है इसके अंदर इंग्लिश में भी मैटर दिया जाता है ताकि इसको और भी लोग पढ़ सकें या इसमें अपने आर्टिकल्स दे सकते हैं जो सिख धर्म से या धर्म से रिलेटेड हों। ज़रूरी नहीं है सिख धर्म से, धर्म से रिलेटेड हों। जैसे लॉर्ड इज़ वन, ये आप देख सकते हैं, ये इसी ही हफ्ता बार ये पर्चा है और इसी ही हफ्ते का ये आपको दिखाया जा रहा है। इस पत्रिका की शुरुआत आपने कब? 1899 में की भाई वीर सिंह जी ने और ये अब तक छप रहा है। ये एक बहुत बड़ी सूचना हमारे दर्शकों के लिए है कि 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक जो पत्रिका हमारे सामने रही है वो इसका एक लंबा दौर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस पत्रिका में जहाँ एक ओर धर्म की बातें की जा रही है वहीं समाज सुधार की बात की जा रही है। और वहीं जैसा कि आपने सूचना दी कि एक पूरा का पूरा एक सेक्शन, एक अंश स्त्री मुक्ति से संबंधित भी रहा है और वो आज भी जारी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई वीर सिंह के बाद कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने पंजाबी साहित्य को समृद्ध किया? हाँ बिल्कुल, दूसरे जो हैं इनके बाद भाई वीर सिंह जी के बाद प्रोफेसर पूरन सिंह हैं। प्रोफेसर पूरन सिंह ने, जैसे भाई वीर सिंह ने छंदबद्ध कविता को एक रूप दिया और छोटी कविता हमारे सामने वो लेके आए, इसके बाद प्रोफेसर पूरन सिंह ने छोटी कविता तो लिखी ही लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कविता को छंद मुक्त कर दिया। इसको हम सैलानी छंद कहेंगे। प्रोफेसर पूरन सिंह जो हैं वो वॉल्ट विटमैन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि इन्होंने अपनी सारी शिक्षा जो थी, तकरीबन उच्च शिक्षा जो थी, वो जापान में हासिल की और इंग्लिश में भी उन्होंने अपना लिटरेचर पेश किया है, लिखा है। और इसके अलावा इन्होंने काव्य संग्रह जो हैं वो पेश किए 3, जो तीनों ही बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, खुले कुंड, खुले मैदान, खुले आसमानी रंग, और एक लेखों की किताब है, लेख की किताब है खुले लेख, जैसे के नाम से भी विदित होगा आपको, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि खुले करके बोला उन्होंने। तो इन्होंने खुलेपन को पेश किया है, चाहे वो पंजाब की धरती को पेश कर रहे हों, चाहे वो पंजाबियत को पेश कर रहे हों, उन्होंने बहुत ही खुले रूप में उसको पेश किया है। नवे जो बिल्कुल नए अलंकार, बिंब, शैली, वृत्तांति और रूपक और उपमा अलंकार को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कविता में पेश किया है। यानी पंजाबी भाषा में एक ऐसा दौर आया जब प्रोफेसर पूरन सिंह ने जो रचनाएं की उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि एक नए तरह का साहित्य रचा जाने लगा, यानी बिंब, छंद और विषय सभी को उन्होंने एक नया आयाम दिया। तो इनकी कुछ रचनाएं अगर आप पढ़ के सुनाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, पंजाबियों के खुले स्वभाव के बारे में, ए बेपरवाह पंजाब दे, ए बेपरवाह पंजाब दे मौत नू मखोला करण,
मौत नूं मखौलां करन मरन थी नहीं डरदे, प्यार नाल ए करन गुलामी, प्यार नाल ए करन गुलामी, जान को अपनी वार दिंदे पर टैना मनन किसे दी। तो इस तरह से पंजाबियों का जो खुला स्वभाव है उसके बारे में, और इनकी कविता के ऊपर हम रोमांसवादी रंग भी देखते हैं, जैसे कि उन्होंने खुले कुंड किताब का नाम है उसके अंदर एक कविता को पेश किया है, पागल या वैशी जिहा ए चा मेरा आखे ना लगदा नियमा विच ना बजदा। वो नियम में रहना नहीं जानते हैं, वो कहते हैं मुझे नियम से अलग हट के जीना है। तो इसके अलावा इनका रहस्यवादी जो संवेदना है उस इनकी कविता में हमें खुले मैदान में देखने को मिलती है। वो कहते हैं मैं बूहे ते बारियां खोल खड़ी सारे रूह दियां, लखां बारियां वाला रूह मेरा ते रख सिर अपना हर बारी विच, कन बाहर नू ला लखां कन्ना नाल मैं सुनना चाहां ओ तैनू प्यार करदा। तो इस तरह से रहस्यवादी संवेदना की भी कविता इन्होंने पेश की है। यानी पंजाब की जो खासियत है और पंजाब की जब हम बात करते हैं तो दिलदारी और जिंदा दिली का जो स्वरूप है वो हमें साहित्य में भी देखने को मिलता है, और इसे हमारे प्रोफेसर पूरन सिंह जी ने अपनी रचनाओं में बखूबी दर्शाया है। तो इनके साथ जो आगे की साहित्यकार थे उनमें कौन सा बड़ा नाम है जिनके साहित्य ने पंजाबी साहित्य को समृद्ध किया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि धनी राम चात्रिक के नाम लिए बिना आधुनिक पंजाबी साहित्य जो है वो पूरा नहीं कहा जा सकता। धनी राम चात्रिक को हम सीधे लफ्जों में बोले तो पंजाबियत का कवि है, जैसे हम पूरन सिंह को बोलते हैं तो इनको भी। इनकी कविता में पंजाब का पूरा रंग, पंजाब का पूरा स्वभाव, कल्चर, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ देखने को धनीराम चात्री की कविता में मिलता है। सबसे पहले मैं ये भी एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगी कि ये एक देशभक्त कवि भी रहे हैं। इनकी कविता जो है उसके अंदर पंजाब की मिट्टी की खुशबू होगी, वहाँ के गभरू नौजवान, मुटियारें यानी के नौजवान औरतें, मेले त्यौहार, खेलें, खेल जो हैं वहाँ की जो खेल हैं, और रीति रिवाज वहाँ के इनकी कविता में हमें देखने को मिलते हैं। और इन्होंने जो भारत से अंधविश्वास को मिटाने का एक बहुत अच्छा बीड़ा भी उठाया था, सामाजिक कुरीतियाँ और आचरणिक बुराइयों को भी उन्होंने बाहर निकालना चाहा था। तो इसी से मिलते जुलते और भी बहुत सारे जो विषय इन्होंने अपनी कविता में पेश किए। इनकी कविताओं के संग्रह जो हैं वो केसर क्यारी, नवा जहां, सूफी खाना, चंदनवाड़ी, और इसके अलावा इन्होंने किस्सा की भी रचना की, दो किस्से भर्थरी हरी और नल दमयंती। किस्से के बारे में ये बताना चाहूँगी कि किस्सा उन्होंने करते हुए परंपरा को अपनाते हुए मंगलाचरण को ध्यान में रखा, और मंगलाचरण को भी इन्होंने किस्से के शुरू में पेश किया। कहते हैं भर्तरी हरी के शुरू में, एक्योंकार अकाल पुरख सगल जगत आधार, पालक घालक प्राण दा तिस्तो सदा जुहार। तो इस तरह से वो अपने किस्से की शुरुआत करते हैं। दरअसल 19वीं शताब्दी के भारतीय साहित्य में दो चीज़ें हम महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं, और जो हमारा HD 5 का पाठ्यक्रम है आधुनिक भारतीय साहित्य, नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना, तो जैसा कि अभी हमें डॉक्टर सतपाल कौर जी ने सूचना दी कि पंजाबी साहित्य में भी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रचनाएं की गई, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था, देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था और हमें आज़ादी चाहिए थी, तो तत्कालीन लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत के हर कोने में लोगों में आज़ादी का जुनून पैदा किया था, और यह कार्य पंजाब में भी हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी रचनाएं अगर हों तो आप उसे बिल्कुल
इनके बारे में कहा जाता है कि ये वतन की मिट्टी के पुजारी थे। जैसे दो लाइनों में आप समझ जाएंगे, तेरी मिट्टी दा कुल्ला भी, तेरी मिट्टी दा कुल्ला भी शाही महला तो प्यारा है। बस दो लाइनों में आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी उन्होंने बात कह दी। और इसके अलावा ये सुधारवादी थे। दफन हो रही फिरकेदारी, दफन हो रही फिरकेदारी, छूत दी लहनत बे इतबारी, गलत अकीदियां दी बीमारी, सब दुनिया बेजार, पंछिया नवी उडारी मार, पंछिया नवी उडारी मार। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में वो कहते हैं, ओ हिंद दे जवाना, ओ हिंद दे जवाना, हिंदू ते मुसलमाना, हिंदू ते मुसलमाना, होशियार होके डट जा, होशियार होके डट जा, उक जाए ना निशाना, हिम्मत दे नाल छो दे इत्तफाक दी उडारी, ओ देश दे पुजारी, ओ देश दे पुजारी। ये जो इसी तरह से इन्होंने एक कविता लिखी थी बहुत ही अच्छी, त्रै मावा, जो कि कोर्स में भी लगी हुई है। त्रै मावा, तीन ही लोगों को वो माँ मानता है। एक तो लक्ष्मी देवी जिसने उसको जन्म दिया, दूसरी भारत माता जहाँ पर वो पला बड़ा हुआ, और तीसरी पंजाबी बोली। दूसरी भारत माता के बारे में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि इसके अंदर वो भावना को पेश किया गया है। जब यहाँ पर फिरंगी आए, उन्होंने यहाँ पर जो भी किया उसके बारे में, दूसरी अम्मा भारत माता, दूसरी अम्मा भारत माता, जिस दी मिट्टी मैनू जणिया, उस दी भगती करदा करदा मैं पंजाबी शायर बनिया, एके ते इतफाक करांदियां, एके ते इतफाक करांदियां, सारी उम्र बीत गई मेरी, ओड़क दुध विच कांजी पा गया, कोई विदेशी फितना छणिया, कोई विदेशी फितना छणिया। पंजाबी साहित्य में देश प्रेम और किस प्रकार राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए छटपटाहट, वो हमें देखने को मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई लेखिकाओं ने भी पंजाबी साहित्य को समृद्ध किया? हाँ बिल्कुल, अमृता प्रीतम हमारी बहुत ही अच्छी नावलकार हैं। उन्होंने बहुत सारे नावलों की रचना भी की, इसके अलावा कविताएं भी लिखी। काव्य संग्रह है उनके त्रेल तोते फुल, अमृत लहरा। तो इस तरह से उन्होंने 1947 के बंटवारे का जो प्रभाव था, वो जो लोगों पर पड़ा, उसके बारे में उन्होंने एक कविता लिखी, अज आखां वार शाह नूं किधरे कब्रां विच्चों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फूल, एक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख लिख वार मारे वैण, अज लखां तियां रोंदियां तैनूं वार शाह नूं कहण। इस प्रकार पंजाबी साहित्य के आदि से वर्तमान स्थिति को हमने आज के कार्यक्रम में देखा, समझा, और विशेष रूप से पंजाबी साहित्य में जो प्रगति हुई है उसे अभी तक के साहित्य को हमने जानने समझने की कोशिश की, और आदि से लेकर आज तक जो विकास हुआ, उसके साथ साथ जो घटनाएं घटी सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य बातों की, उसका भी प्रतिबिंब हमें इस साहित्य में देखने को मिलता है। और भारतीय साहित्य इसी रूप में अनूठा है, उसके हर भारतीय साहित्य में इस प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, और HD पाठ्यक्रम 5 हमें अपने भारतीय साहित्य के इसी उद्देश्य को और इसी विशेषताओं को प्रस्तुत करके हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले कार्यक्रम में आप उससे संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे। धन्यवाद।